मैं आज भी बोलता हूं बीजेपी को ठीक कह और रहा है, पीएम को, ये अगर बड़ी हिम्मत पते है की तो बात आप है कि 2000 मैंने का बोली है। नोट आज रात को या हाँ, कभी भी रात को एक 8 बजे बड़ी बंद बड़ी पते करके की बात बोली है। दिखाइए आप। गुलेर जी आपको जवाब देना चाहिए। एक एक का कहना यह है, एक एक का सबसे कहना बड़ा यह है, रीजन यही रहा एक ने एक राशिद बड़ी बड़ा लॉजिकल पॉइंट कि रखा है लोगों कि का एक एक का कहना यह है, एक एक का सबसे कहना बड़ा यह है, रीजन यही रहा एक ने एक राशिद बड़ी बड़ा लॉजिकल पॉइंट रखा कि है लोगों का कि जो फेथ भी, खत्म हो रहा है, हाँ, अब पता इकोनॉमी नहीं को क्या लेकर होगा, के, अब पता नहीं इकोनॉमी क्या को लेकर के, होगा, ठीक कह रहा है, तो रुक जाइए। इकोनॉमी इकोनॉमी को लेकर के और फाइनेंस को लेकर के जो भी डिसीजन लिए गए उनमें आशंकाएं बहुत थी। आप अभी देखिए, एक एक एग्जांपल लीजिए, डिजिटल डिजिटल आप बोल रहे हैं, 120 करोड़ की जनता को डिजिटलाइज्ड, आप यहां पे सिग्नल नहीं आ रहा है सर। डिजिटल होने के लिए पहले आप सिग्नल तो गांव गांव पहुंचाइए। मेरे में आ रहा है, मेरे में आ रहा आप है, आरएसएस से, मेरे में आ रहा है, मेरे में आ रहा आप है आरएसएस से हैं इसलिए आ रहा है सर, विशेष सर। सुविधा आपको मिली है, वैसे भी आप दिल्ली सुविधाएं के देश पास के लिए बैठे हुए होती है, हैं, विशेष आप सुविधाएं, नोएडा में आप बैठे आरएसएस हुए के हैं, हैं, सुविधाएं जो देश के आरएसएस लिए और होती है, बीजेपी के हैं उनको सुविधाएं हर चीज विशेष मिल वर्ग के रही लिए है नहीं होती है, एक सर, भी जो सुविधाएं आरएसएस आपके और लिए नहीं बीजेपी है, के हैं सुविधाएं उनके मेरे पास लिए भी सिग्नल भी आ रहा है। है, हर चीज आ रहा है। अब सुन लीजिए, ये कोई लॉजिक नहीं था मैं तो दीपक जी जो एक्सेप्ट भी आपने कहूं बोला। नहीं, बैठ नहीं निकल मैं रहा एक हूं। कॉमन बात बोल रहा हूं, मैं यही बोल दूं कि आप बीजेपी के हैं इसलिए आपके पास पैसा भी आ रहा है, सब तनख्वाह भी आ रही है, हर चीज आ रही है, तो कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी का मैं व्यक्तिगत दुश्मन नहीं हूं,